क्या नाम है उसका? दुर्गा कश्यप। हम बस घर कॉलेज जाते हैं तो वो छेड़ाछानी करता है, जो उनसे कहो कि मतलब, फिर हमसे रास्ते में छेड़छानी करता है, हाथ पैर मतलब अपने दोस्तों के संग आता है गाड़ी से तो रोकता है, बदतमीज दिखाता है। जब हम कहते हैं कि हमें रहने दो तो बोलता है कि हमारे संग थोड़ी देर के लिए चलो, तुम्हें पैसे उसे देंगे, ये वो है। फिर हमने घर पर आके शिकायत करी तो फिर पापा मम्मी पापा बोले कि बेटा रहने दो, फिर ऐसा वैसे तो कुछ नहीं। फिर उनके पापा शिकायत करी, बोले बेटा तुम्हें तो पता है उनकी आदत, मत बोला करो तुम। फिर हमने कहा ठीक है नहीं बोलेंगे। फिर उनने हमें कॉलेज जाने से रोका था, फिर रास्ते में सिटी पर रोक लिया था जी जी ऐसे जाते पेपर देने के लिए, तो बोला बंटू। तो फिर वो क्लास में हो आप? हम नाइन्थ में हैं, अब टेंथ में आ जाएंगे। और एज क्या आपकी? हमारी 17 साल हो जाएगी अब। अब वो व्यक्ति कहाँ रहता है? वो बिल्कुल ठीक घर के सामने, हम गली में रहते। कब से आपको छेड़खानी कर रहा है? बहुत कम नहीं, 1 साल हो गई। आपने कभी थाने में शिकायत नहीं की इसकी? जी अब जब एक बार अभी जल्दी भैया को सरिया से मारा था तो उनके पापा पुलिस में, तो कुछ करवाने देते ही नहीं है, फिर मामला शांत करवा लेते। जब चाचा कहते हैं तो फिर बोलता है, उनके पापा बोलते थे कि कुछ मत कहो हम समझा देंगे। फिर एक बार समझा दिया, एक बार फिर उनने यही करा, हाथ पे चला उनको, एक भैया है उनके सामने अद्धा मारा, अगर उन्हें नहीं पकड़ते तो हम फूट जाते। फिर चुपचाप हो गया, फिर हमने फिर शिकायत की, फिर उनके पापा ने कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, फिर नहीं बोले हम। फिर भी अभी कल रात में अपने अकेले थे, पापा गाड़ी चलाने गए थे, मम्मी काम करती चौका बर्तन का, हम घर में अकेले थे, खाना बनाते, घर में घुस गया लड़कों के संग, जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा तो हाथ में चोट उट लग गई। जब हमने सबको बुलाया घर में से तो सब बाहर निकल गए, तीर में वो भाग गया सब दोस्तों के संग। जब उसके पापा पापा आए तो छत पे से ईंटें उटे फेंकने लगा कि मेरे पर इल्ज़ाम लगा रही है, फिर मारने के लिए निकल गया। जब हम थाने गए तो थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, फिर बहुत देर के बाद लिखी गई, ना उस पर साइन करा ना मुँह लगाई कुछ भी नहीं, हम तो बोला जाओ। फिर वहाँ पर जहाँ पे हम थाने से बाहर निकले तो वहाँ खड़ा हुआ था मारने के लिए, तो हम फिर दूसरी रास्ता से आने पड़ा था। इसके पापा का